कोरोना वायरस को लेकर पुलिस ने ड्राइव चलाया है, जिसके चलते फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही है कि कहीं कोई विदेशी बिना सी फॉर्म भरे नहीं रह रहा है। इसी कड़ी में मैकलोडगंज में धर्मकोट स्थित अनाम गेस्ट हाउस में रह रहे ताइवानी नागरिक की सूचना पुलिस को न देने और सी फॉर्म न भरने के चलते पुलिस ने गेस्ट हाउस संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गत रात मैकलोडगंज पुलिस मैकलोडगंज व धर्मकोट में होटल व गेस्ट हाउसों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान धर्मकोट में बिना नाम के चल रहे गेस्ट हाउस को चेक करने पुलिस टीम पहुंची। पूछताछ में गेस्ट हाउस को लोकेंद्र शर्मा लीज पर लिया गया। चेकिंग के दौरान गेस्ट हाउस में ताइवानी नागरिक जिसका नाम जिन सॉन्ग शिन को ठहरना पाया गया, जबकि गेस्ट हाउस संचालक लोकेंद्र शर्मा विदेशी नागरिक के आगमन का फॉर्म सी पेश नहीं कर सका। आजकल कोरोना वायरस के संदर्भ में हम लोगों ने एक एक्सटेंसिव सा चेकिंग का ड्राइव चलाया हुआ है, जिसके तहत हम लोग ये फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि कहीं पर कोई विदेशी व्यक्ति बिना सी फॉर्म अपलोड किया या इन्फॉर्मेशन दिए रह रहा है या नहीं रह रहा है। तो इस संदर्भ में चेकिंग करते हुए धर्मकोट में एक गेस्ट हाउस है जिसका कोई नाम नहीं है, जिसे लीज पर किसी लोकेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति ने ले रखा है। उसके पास एक ताइवानीज नेशनल है जो रह रहा है काफ़ी समय से, और उसने कोई सी फॉर्म अपलोड नहीं किया और किसी तरह की सूचना जो है फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नहीं दी थी। तो उसको पकड़े जाने पर हमने कार्रवाई की है फॉरनर एक्ट के तहत और केस रजिस्टर किया। किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 14 फॉरनर्स एक्ट के तहत हमने जो है ये कार्रवाई की है। सर, अगर इसके अलावा बात की जाए तो जो चालक का सब मिला था।